सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आइए आज हमें जिन सहस्रनाम जी के 8वें अध्याय के 7वां और 8वां पद्य को पढ़ना है। शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमः शिवदेव्य, ओम नमः शिवदेव्य, ओम नमः शिवदेव्य। स्वयंभुवे नमस्तुभ्य, मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्ति चिंत वृत्ति। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सातवां पद्य मैं उच्चारण करूंगा, एक एक पद को दो बार बोलूंगा। सुस्थिता स्वास्थ्य भाग स्वस्थो, सुस्थिता स्वास्थ्य भाग स्वस्थो, नीरजस्को निरुद्धवः, नीरजस्को निरुद्धवः, अलेपो निष्कलंकात्मा, अलेपो निष्कलंकात्मा, वीतरागो गतस्पृहा, वीतरागो गतस्पृहा। एक बार पूरा। सुस्थिता स्वास्थ्य भाग स्वस्थो, नीरजस्को निरुद्धवः, अलेपो निष्कलंकात्मा, वीतरागो गतस्पृहा। सुस्थिता स्वास्थ्य भाग स्वस्थो, नीरजस्को निरुद्ध भाग, अलेपो निष्कलंकात्मा, वीतरागो गतस्पृहा। आइए एक एक नाम को देखते हैं। सबसे पहला नाम है सुस्थिता। इसमें भी दो शब्द हैं, सुधन स्थिता। सु मतलब अच्छे से, स्थित हैं जो स्वयं में स्थित हैं अच्छे से, क्योंकि चार कर्म को नष्ट कर दिया है। केवल ज्ञान भी तो शुक्ल ध्यान के बाद ही हुआ था, इसीलिए सुस्थिता कहा। अपने आप में आप बहुत अच्छे से स्थिर हैं, स्वयं में लीन हैं, इसलिए नाम आया सुस्थिता। द्वितीय नाम है, आपकी पुस्तक में हो सकता है द्वितीय नाम में स्वास्थ्य भाग के बाद विसर्ग लगा हो। वो विसर्ग गलत है, स्वास्थ्य भाग का जो क है वो आधा है, और आधे व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं होता। तो केवल नाम क्या रहेगा, स्वास्थ्य भाग। इसमें दो शब्द हैं, सुस्त एक होता है स्वस्थ होने का भाव, जो है स्वस्थ मतलब अपने में स्थित, ठीक है, अपने में स्थित होने का जो भाव है वो हो गया स्वास्थ्य। स्वस्थ और स्वास्थ्य में क्या अंतर है वो बता देता हूं। स्वस्थ मतलब अपने में स्थित, स्वयं में स्थित हो गया, स्वस्थ स्वस्थ बन गया। और जो अपने में स्थिर होने का भाव है वो स्वास्थ्य हो गया। और भाक मतलब एक तरह से भक्त, तो जो अपने में स्थिर होने का भाव है उसी को जो भजते हैं, उसी की भक्ति करते हैं, वो हो गए स्वास्थ्य भाक। स्वयं में स्थिर होने को जो भजते हैं मतलब वो किसी और की भक्ति नहीं करते, पहले तो अपने आप में स्थिर होते हैं और उसी की ही भक्ति करते हैं, उसी का ही ध्यान करते हैं, इसलिए आपका नाम हो गया स्वास्थ्य भाग। अगला नाम आया स्वस्थो। देखो वही नाम आया स्वस्थ, इसके पहले स्वास्थ्य था। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित है, ओ की मात्रा बन जाएगी विसर्ग, तो स्वस्था हो जाएगा। अगला नाम है नीरजस्को। नीरजस्को का नाम हो जाएगा नीरजस्का। नीरजस्का से मतलब क्या है, नीरजस्का में दो शब्द हैं नी और रज, सॉरी नी और रज, उसका तो प्रत्यय लग गया बाद में। नीरज शब्द से बस देखते हैं, नीरज का कई बार कमल भी लिया जाता है। यहां पर नी मतलब रहित और रज मतलब होता है धूल, धूल से रहित है। सिद्धांत शास्त्र में रज का मतलब ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म भी है। तो हे भगवान, आप कर्म से रहित हैं, कर्म धूल से रहते हैं, कर्म रूपी धूल से रहते हैं, या फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म से रहते हैं, तो हो गए नीरजस का है इसका मतलब। फिर आगे आया निरुद्धवा। निरुद्धवा में दो शब्द हैं, निर्धन उद्धव, निर्धन उद्धव। अब उद्धव के बहुत सारे अर्थ हैं, एक तो श्रेष्ठ यज्ञ भी उद्धव का मतलब होता है, उद्धव का मतलब अग्नि भी होता है, उद्धव का मतलब नारायण भी होता है। उद्धव श्रेष्ठ यज्ञ, नारायण, अग्नि, इतने सारे उद्धव के अर्थ हैं। मामा भी होता है उद्धव का अर्थ। तो आप किसी अपेक्षा से ले लीजिए,
निरुद्धव का मतलब स्वामी भी है, तो आपका कोई स्वामी नहीं है, आप स्वयं के स्वामी, तो स्वामी से रहते हैं आप, अग्नि से रहते हैं, तो निरुद्धवा हो गया। निरुद्धव का अर्थ ऋतु भी होता है, निरुद्धव का अर्थ उत्साह होता है, उत्साह ऋतु अग्नि रिश्ते मामा इन सब से आप रहत, तो निरुद्धवा हो गया। इसके बाद नाम आया अलेपह, लेप से रहते हैं, लेप से रहते हैं मतलब आपके जीवन में अब किसी प्रकार के कर्म का लेप नहीं होगा, इसलिए आप अलेपा हो गए। फिर अगला नाम आया निष्कलंक आत्मा, ये पूरा एक नाम है निष्कलंक, कलंक के आगे निस लगाया तो कलंक रहित और आत्मा इन सबको जोड़ दिया, निष्कलंक धन आत्मा, निष्कलंक आत्मा पूरा नाम बन गया। तो आपकी आत्मा कलंक रहित है इसलिए आपका नाम हो गया निष्कलंक आत्मा। अगला नाम आया वीतरागो, नाम हो जाएगा वीतरागा, वीत गए हैं राग जिनके, विनष्टानी रागानी मतलब जिनके अब किसी प्रकार का राग नहीं है, क्योंकि चार घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी और अंतराय, ये चार कर्म नष्ट हो गए हैं। और तो यूं कहें राग जो है वो किस कर्म के अंतर्गत आएगा, वो मोहिनी कर्म के अंतर्गत आएगा, और राग आपका नष्ट हो गया है इसलिए आपको वीतराग कह दिया। इसके बाद आया गतस्पृह, स्पृह का मतलब होता है इच्छा लालसा, और गतः मतलब गई, जिनकी इच्छाएं लालसाएं सब चली गई हैं वो हुए गतस्पृह, गतस्पृह इस प्रकार से सुस्थितः स्वास्थ्य भाग, स्वास्थ्य भाग से मतलब खुद में स्थित होने के भाव को ही भजते हैं, भजने वाले स्वास्थ्य भाग, खुद में स्थित रहने वाले स्वस्थ, कर्म से रहित नीरज, निरुद्ध अग्नि मामा ऋतु उत्सव इन सब से रहित तो निरुद्धवा, लेप से रहत अलेपा, निष्कलंक है जिनकी आत्मा निष्कलंक आत्मा, वीत राग हैं जो राग जिनके बिल्कुल भी नहीं, राग बीत गया तो वीत राग, इच्छाओं का नाश हो गया या इच्छाएं गत हो गई मतलब चली गई तो वो हो गया गतस्पृह। ये हमने श्लोक देखा, आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं और अंत में फिर हम इनका एक साथ उच्चारण करेंगे। अगला श्लोक है, मैं एक एक पद को दो बार बोलने वाला हूं। वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा, वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा, निसपत्नो जितेन्द्रिया, निसपत्नो जितेन्द्रिया, प्रशांतो अनंत धामर्षि, प्रशांतो अनंत धामर्षि, मंगलम मलहानयः, मंगलम मलहानयः। एक बार पूरा उच्चारण, पर आपकी पुस्तक में धामर्षि भी होगा और मंगल के ऊपर भी राखी रेप होगी, तो इसको धामर सिर बोलना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से इस लाइन को देखूंगा, प्रशांतो अनंत धामर सिर, ऐसा चलेगा, प्रशांतो अनंत धामर सिर, मंगलम मलहानयः। पूरा वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा, वश्येन्द्रियो, वशेन्द्रियो, वशेन्द्रियो विमुक्तात्मा, निसपत्नो जितेन्द्रियः, प्रशांतो अनंत धामर्षि, मंगलम मलहानयः। ये देखा, एक बार आप फिर से करेंगे, वशेन्द्रियो विमुक्तात्मा, निसपत्नो जितेन्द्रियः, प्रशांतो अनंत धामर्षि, मंगलम मलहानयः। नाम, पहला नाम वश्येन्द्रियः, ओ की मात्रा विसर्ग बनेगी, दूसरा नाम विमुक्तात्मा, तीसरा निःसपत्ना, चौथा जितेन्द्रियः, प्रशांतः, फिर अनंत धामर्षि ये एक नाम हो जाएगा, मंगलम ये एक नाम हो जाएगा, मलहानयः ये मलह और अनयः ये दो नाम हो जाएंगे, मलह और अनयः, कुल मिलाकर 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाम इसमें, पिछले श्लोक में भी 9 नाम थे। अब देखते हैं पहले नाम का अर्थ, वश्येन्द्रियः, दो शब्द हैं वश धन इंद्रिय, गुण संधि हो गई है, तो बस में कर लिया है इंद्रियों को जिन्होंने, या बस में है इंद्रिय जिनकी, तो वो हो गए वश्येन्द्रियः। फिर
क्योंकि इन्होंने अपनी पांच इंद्रियों को बस में कर लिया है, तो बस इंद्रिय हो गए, अब कुछ इनका कोई लालसा इनको नहीं है। फिर आगे आया विमुक्त आत्मा, विमुक्त है आत्मा, विमुक्त से मतलब रहित है, कर्म आदि से रहित है, रिश्ते नाते सबसे अब आत्मा रहित है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, इसलिए नाम हो गया विमुक्त आत्मा। ऐसे कोई तीर्थंकर का नाम बताइए जब तपस्या करते हुए मौका आने पर भी क्यों द्वेष करें, प्रतिकार करें, फिर भी उन्होंने द्वेष नहीं किया, न राग किया न द्वेष किया। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, विमुक्त आत्मा हुआ। इसके बाद है निःसपत्नः, निःसपत्नः, इसमें दो शब्द है, निः धन सपत्नः, ओ की मतलब सर्ग बनेगी, सपत्नः का मतलब होता है शत्रु और निः मतलब रहित, तो आप शत्रु से रहित हैं इसलिए निःसपत्नः। अगला नाम आए जितेंद्रियः, जितानि इंद्रियाणि यस्मात् सः जितेंद्रियः, मतलब है जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है वह जितेंद्रिय है। अगला नाम प्रशांतः, प्रशांता में भी दो शब्द हैं, प्राउपसर्ग पूर्वक शम धातु कहें या शम शब्द, शम का मतलब शांति, प्रकृष्ट रूप से जो शांत है वो प्रशांत, या फिर शम का मतलब सुख है, प्रकृष्ट सुख वाली है, प्रकृष्ट सुख से सहित जो है, सर्वश्रेष्ठ सुख से जो सहित है वो हो गए प्रशांत। फिर अगला आया नाम प्रशांता को, ओ की मात्रा बन जाएगी अवग्रह, ओ की मात्रा बन जाएगी विसर्ग, और आगे जो अवग्रह है उसका बन जाएगा आ, तो हो जाएगा अनंत धाम हर्षि। अनंत मतलब अनंत और धाम का मतलब होता है तेज, और धाम के बाद है शब्द ऋषि, तीन शब्द है इसमें, अनंत धाम और ऋषि, धाम और ऋषि में संधि हो गई गुण, तो धामर्षि बन गया। तो अनंत धाम मतलब तेज, अनंत तेज से सहित आप ऋषि हैं, महर्षि तो है ही भगवान महर्षि, तो अनंत तेज से सहित या अनंत तेज वाले ऋषि होने से आप कौन हैं, अनंत धामर्षि। जो नित्याप्रकंपाद वाला हम लोग परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, जो उसमें 64 रिद्धियों का वर्णन है, वह जिनेंद्र भगवान की ही तो होती हैं 64 रिद्धियाँ, और उनकी 64 रिद्धियाँ होती हैं तो वो महर्षि हो गए, जिनके पास रिद्धियाँ सारी हैं तो महर्षि। अगला नाम आया मंगलम, मंगलम बहुत प्यारा शब्द है, इसकी व्याख्या मुझे लगता है सबको सही से मालूम नहीं होती है, आप लोग स्वाध्याय करते तो होगी, फिर से बता देता हूं, मंग का मतलब होता है सुख और ला से मतलब लाती, सुख को लाने वाला या शुभ को लाने वाला मंगल हो गया। बोलते हैं आप तो बड़े मंगल हैं, मंगलकारी हैं भगवान को, तो आप सुख को लाते हैं, आपके आने से जब कोई व्यक्ति आता है तो अगर सुख होता है तो अपन बोलते हैं मंगलकारी हैं आप, तो वही मंगल, मंग मतलब सुख और लाना, ला मतलब लाने वाले, तो मंगल हो गया। फिर अगला नाम है मलहा, मलहा, ये मलहा क्या है, मल मतलब कर्म समझ लो या मल ही समझ लो बुराई, और हा मतलब नाश करने वाले, मल का नाश करने वाले तो हो गए मलहा। फिर आगे नाम आया, क्योंकि आपको तो दिख रहा है नया पर वहां पर संधि है, तो नया के आगे आ है, क्योंकि संधि हो गई तो मलहा नया एक बन गया, अलग अलग करें तो मलहा धन अनया, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, अनय का मतलब है, नय का मतलब कर्म भी है और पुण्य पाप आदि भी होता है, तो आप कर्म या पुण्य पाप दोनों से रहते हैं इसलिए अनय है, ठीक है। आपके जीवन में कुछ नहीं आता, नि धातु से भी नय बना, नय ले जाना होता है, आप कुछ भी नहीं ले जाते लाते हैं, आप अपने में स्थिर हैं, या कर्म नहीं आते हैं आपके जीवन में, कर्म से आप रहित हैं, तो आपका नाम हो गया अनया। इस प्रकार से बस्सिंद्रिया, विमुक्तात्मा, निःसपत्नो, जितेंद्रिया, प्रशांता, अनंत धामर्षि, मंगलम, मलहा और अनया, ये नाम देखे, आशा है आपको समझ में आए होंगे। जिनको लगता है कि याद नहीं हो पाए या समझ में नहीं आए, एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आज आप सबके लिए जय जिनेंद्र करने से पहले एक बार पुनः दो पद्यों का उच्चारण करके जिनवाणी स्थिति करेंगे। आज का नियम है कि एक घंटे मौन रहना है, ठीक है,
शुरू करते हैं। सुस्थिता स्वास्थ्य भाग स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवा अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतस्पृहा। अगला श्लोक, वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः प्रशांतो अनंत धामर्षि मंगलम मलहानयः। जिन वाणी स्थिति, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोग। जय जिनेन्द्र।